काशीपुर के मास्टर इंटरनेशनल स्कूल में 31 जुलाई से 1 अगस्त तक 2 दिवसीय विज्ञान और कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्कूली छात्र अपनी कला और विज्ञान का प्रदर्शन करेंगे। काशीपुर के मास्टर इंटरनेशनल स्कूल में 2 दिवसीय विज्ञान और कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विद्यार्थियों की कला के हुनर को पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया जाएगा। इस प्रदर्शनी के लिए विद्यार्थी पिछले 2 महीने से मेहनत कर रहे हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर गौरव गर्ग ने बताया कि विद्यार्थियों के अंदर प्रदर्शनी को लेकर बहुत उत्साह है। इस कार्यक्रम में काशीपुर के सभी विद्यालय के प्रधानाचार्य और कला विज्ञान के शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी से बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने की सीख मिलेगी। सर, ये विद्यालय ने छोटे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके अंदर टैलेंट निकालने के लिए साइंस और कला प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पे करा है। इसमें ये कार्यक्रम 2 दिवस रखा गया है, जिसमें यहाँ पे साइंस की और कला की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। बच्चों के बनाए हुए बड़े सुंदर सुंदर मॉडल यहाँ पर रखे गए हैं और सारे मॉडल बच्चों ने यहाँ विद्यालय में रहकर ही बनाए हैं और टीचर की मदद से बनाए हैं यहाँ पर। और बच्चे बड़े उत्साहित हैं साइंस के मॉडल को लेकर अपने, और कला में हमारे कला के टीचर जो हैं वो पिछले 2 महीने से बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट तरह की पेंटिंग सिखा रहे हैं और बच्चे ने वो पेंटिंग्स लगाई हैं, बनाई हैं, और वो पेंटिंग्स यहाँ फ्रेम करके लगाई जाएंगी। अगर किसी भी अभिभावक को अच्छी लगती है तो यहाँ से बच्चों से वो खरीद भी सकता है। वो काफ़ी सारे ड्राइंग्स बन रही है जिन्हें हम सेल करेंगे और हमारी फर्स्ट विनियम हमें मिलेगी। और यहाँ पे सारे काफ़ी सारे साइंस प्रोजेक्ट्स भी हैं जो हम कल और फर्स्ट को दिखाएंगे। और यहाँ पे काफ़ी सारे ड्राइंग्स हैं जैसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, मंडाला आर्ट और काफ़ी सारी क्राफ्ट्स के भी सामान हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF रैंक्ड फॉर 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।